हेलो गाइस, वेलकम टू आद एनिमेट। मुझे मेरी मामा की तरफ से 10 डेज चैलेंज मिला था जिसमें मैंने हर दिन एक नया मॉडल बनाना था। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए भी इन 10 ऑब्जेक्ट्स के लिए मॉडलिंग का ट्यूटोरियल बनाऊंगा। मैंने वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है। तो आज से मेरे चैनल पे 10 डेज चैलेंज की सीरीज आ रही है और मेक श्योर करना है कि आप उसे फॉलो करें क्योंकि उसमें आपकी मॉडलिंग और टेक्सचरिंग काफी ज्यादा बेहतर होने वाली है। और अगर आप लोगों ने ये सीरीज को फॉलो करके काफी कुछ सीखा और आप लोगों को ये पसंद आई तो आपने मुझे जरूर बताना है ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह के और भी चैलेंजेस लेकर आऊं। तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें वीडियो दूसरों के साथ, लाइक करें एंड देन लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम टू आद एनिमेट। सो दिस इज डे 6 और आज के चैलेंज में हम लोग एक पावर बैंक मॉडल करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आप रेफरेंसेस भी ले सकते हैं, लेकिन आज रेफरेंसेस की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास एक लाइव मॉडल मौजूद है। सो मैं इसको देख के आपको मॉडलिंग सिखाऊंगा। सो अब ये काफी ज्यादा सिंपल है, लेकिन इसमें जो डिटेल्स हैं वो इस मॉडल को काफी स्टैंड आउट करते हैं रेस्ट ऑफ द मॉडल से। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं कैमरा और लाइट को डिलीट कर दूंगा एंड एवरीवन हेट्स द क्यूब। सो मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम इसे ही यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे जी एक्सेस पे स्केल डाउन कर दूंगा, प्रॉबेबली लाइक दैट। अब मैं एस प्रेस करूंगा और शिफ्ट जेड ताकि जेड एक्सेस के अलावा बाकी एक्सेस पे स्केल अप हो जाए। और अब मैं इस टॉप व्यू पे जाऊंगा और इसको एक्स एक्सेस पे थोड़ा सा स्केल डाउन और वाई एक्सेस पे स्केल अप, प्रॉबेबली लाइक दैट। सो दिस इज द रफ साइज ऑफ माई मॉडल। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा कंट्रोल ए अप्लाई स्केल ताकि हमारे जो बेवल मॉडिफायर हैं वो इस पर सही तरह काम करें। और मैं इसको जी एक्सेस पे थोड़ा सा स्केल कर दूंगा, कंट्रोल ए अप्लाई स्केल। अब मैं एडिट मोड में जाऊँगा, इन एजेस को सेलेक्ट करूँगा, टू प्रेस करके आपने शिफ्ट दबा के इन एजेस को सेलेक्ट करना है और कंट्रोल बी से बेवल कर देना है, ठीक है, लाइक दिस। राइट क्लिक शेड स्मूथ बाय एंगल। और उसके बाद मैं क्या करूँगा कि इस पर क्लिक करूँगा और इसको बल्कि एक लूप कट ऐड करूँगा, इसको बेवल कर दूँगा विद नो सेगमेंट, ठीक है। ई प्रेस करना है एस शिफ्ट जेड ताकि ये जेड एक्सिस पे स्केल हो जाए। और अब ये प्रॉपरली स्केल नहीं होगा, लाइक एज यू कैन सी वाई एक्सिस पे ज़्यादा स्केल होगा। तो मैं एस शिफ्ट जेड दबा के इसे थोड़ा सा स्केल करूँगा और फिर एस और एक्स दबा के एक्स एक्सिस पे मैन्युअली से स्केल कर दूँगा, लाइक दिस। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि इस एज को सिलेक्ट करूँगा ऑल्ट प्रेस करके, फिर शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके बाकी एजेस पे क्लिक कर दूँगा और इनको स्लाइटली बेवल कर दूँगा कंट्रोल बी से विद लाइक 1 सेगमेंट। राइट क्लिक शेड स्मूथ कर देना है और ये इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा कंट्रोल प्लस फिर कंट्रोल प्लस अगेन ताकि ये बेवल जो हमने किया ये भी सिलेक्ट हो जाए। और इसको मैं थोड़ा ज़्यादा स्केल कर दूँगा ताकि थोड़ा ज़्यादा नोटिसेबल हो, ठीक है। नाउ एज यू कैन सी नाउ दिस इज मच मोर नोटिसेबल। एक लूप कट यहाँ ऐड करके इसे बेवल कर दूँगा विद नो सेगमेंट्स। जी एक्सिस पे थोड़ा सा स्केल डाउन एंड उसके बाद मैं क्या करूँगा इसको सेलेक्ट करूँगा थोड़ा ऊपर मूव करके कंट्रोल बी से बेवल कर दूँगा। अब ये सही तरह बेवल नहीं हो रहा तो मैं इसकी स्केलिंग को अप्लाई कर दूँगा और अब मैं इसे बेवल कर दूँगा थोड़ा सा और ऊपर विद सेगमेंट्स, इसको बेवल कर दूँगा लाइक दिस और इसको भी बेवल कर दूँगा। तो सिंपली आपने इसको इस पर क्लिक करना है और इसे कंट्रोल बी से बेवल कर देना है। सो वी हैव दिस नाइस काइंड ऑफ शेप। अब मैं एक सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर ऐड कर देता हूँ, कंट्रोल एस प्रेस करके इसको सेव कर दूंगा पावर बैंक के नाम से। और आपने सेव ब्लेंड फाइल पे क्लिक कर लेना है एंड पावर बैंक इज कंप्लीट। जस्ट करिंग गाइस, अभी तो स्टार्ट है, अभी हम हमारे पास ये मेन शेप बन गई है, अब सिर्फ स्मॉल डिटेल्स ही हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसे 90 डिग्रीज रोटेट कर दूंगा, ठीक है। और मैं टॉप व्यू पे जाऊंगा, 3 प्रेस करूंगा इस फेस को सेलेक्ट करने के लिए और मैं क्या करूंगा इसको शिफ्ट डी से डुप्लीकेट पी सेपरेट सेलेक्शन। फिर ऑब्जेक्ट मोड में आऊंगा,
इसको सिलेक्ट करूँगा, थोड़ा सा ऊपर मूव कर दूँगा, बाद में मैं फिर इसको एडजस्ट कर दूँगा। अभी फ़िलहाल थोड़ा ऊपर मूव करना है ताकि इंटरसेक्ट ना हो। इन एजेस को सेलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे मूव कर देना है और इसको स्केल डाउन कर देना है लाइक दिस। उसके बाद आपने हाफ को सेलेक्ट करके थोड़ा सा साइड में मूव कर देना है और फिर इस हाफ को सेलेक्ट करके इस साइड में मूव कर देना है, ठीक है। उसके बाद मैं इस एच पे क्लिक करूँगा और इसको नीचे मूव कर दूँगा, ठीक है। एंड इसको मैं अब एक्सट्रूड कर देता हूँ, आई से इंसर्ट कर देता हूँ और नीचे वाला जो एज है इस पे क्लिक करूँगा, डिलीट फेसेस कर दूँगा, इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर कर दूँगा ताकि जो हमारा फेस है वो थोड़ा राउंड सा हो जाए। और ये थोड़ा ज़्यादा राउंड है तो मैं इसके इंसर्ट जो मैंने किया है उसकी वजह से एज शार्प हो रहा है, तो मैं इसको स्केल डाउन कर दूँगा वाई एक्सिस पे भी। एंड नाउ दिस इज़ मच स्मूथर। एंड उसके बाद मैं क्या करूँगा, इनको मैंने आपस में ज्वाइन करना है, तो द ईजीएस्ट वे इज़ कि आपने इस फेस को डिलीट करना है और इस एच पे क्लिक करना है, F3 प्रेस करना है और ग्रिड फिल सर्च करना है और आपने इस पे क्लिक कर देना है। अब ये हमारे पास एक मेस बन जाएगा, तो आपने ग्रिड फिल वाले ऑप्शन पे जाना है, इसको 1 पे ले आना है और अब आपने स्टेप बाय स्टेप इसको इंक्रीज करते रहना है जब तक आपकी टोपोलॉजी बेटर नहीं दिखती। सो 9 इज़ बेटर, ठीक है। आप इसको और बढ़ा सकती हैं लेकिन आई गेस 9, ठीक है, 9 इज वर्किंग। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि इसको सेलेक्ट करूँगा, इस एच को कंट्रोल एक्स दबा दूँगा ताकि ये डिसॉल्व हो जाए और इन दोनों को आपस में जे प्रेस करके ज्वाइन कर दूँगा। सेम विद दिस एंड नाउ वी हैव अ बेटर टोपोलॉजी। उसके बाद मैं क्या करूँगा, अब मैंने यहाँ बोल्ड्स के लिए जगह बनानी है तो मैं इस पे मतलब इनको सेलेक्ट कर लूँगा शिफ्ट दबा के, ठीक है। ये चार जब हमारे पास सेलेक्ट हो जाएंगे, मैंने इनको बेवल करना है, तो जब मैं कंट्रोल बी करूँगा तो मैं चाहता हूँ वर्टिसेस बेवल हों, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट बी दबाऊँगा तो अब हमारे पास वर्टिसेस बेवल होंगी। तो मैं इन पे एक सेगमेंट ले आऊँगा। अब मैंने राइट क्लिक करना है, लूप टूल्स के ऑप्शन में जाके सर्कल पे क्लिक कर देना है। सो दिस इज़ अ मेस, तो मैं इसे 1x1 करूँगा। और अगर आपके पास लूप टूल्स का ऑप्शन नहीं है तो आपने एडिट पे जाना है, प्रेफरेंसेस पे, एडऑन्स पे और यहाँ पर आपने लूप टूल्स टाइप करके इसको चेक कर देना है लाइक दिस। एंड उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, एक्सेप्ट दिस, राइट क्लिक करके सर्कल कर दूँगा तो ये हमारे पास सर्कल हो जाएगा। मैं सेम यहाँ भी करूँगा, राइट क्लिक सर्कल, इस पर भी सेम यही करूँगा और लास्टली इसको भी सेम ये करूँगा। सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक, लूप टूल्स और सर्कल पे क्लिक कर देना है। उसके बाद मैं इन चार वर्टिसेस पे क्लिक करूँगा और कंट्रोल प्लस दबा दूँगा ताकि हमारे पास ज़्यादा सिलेक्शन हो जाए और मैं इसको एक्सट्रूड डाउन कर दूँगा। अब यहाँ पर हमारे पास एक शेडिंग बन गई है, तो मैं इन एजेस पे क्लिक करूँगा शिफ्ट ऑल्ट दबा के, ऑल्ट से एज सेलेक्ट करना, शिफ्ट से मल्टीपल सेलेक्ट, तो शिफ्ट ऑल्ट दबाना है आपने और इनको सेलेक्ट कर देना। और अब मैं इसको कंट्रोल बी से बेवल कर देता हूँ जस्ट अ बिट, यहाँ फिर भी हमारे पास इशू आ रहा है, तो मैं कंट्रोल आर से 2 लूप कट सेट करूँगा और इनको कंट्रोल बी से बेवल कर दूँगा विद नो सेगमेंट्स। मैं 1 प्रेस करूँगा वर्टेक्स सेलेक्ट पे जाने के लिए, इन दो एजेस को और इन दो वर्टेक्स को ज्वाइन कर दूँगा आपस में। तो अब आप देख सकते हैं कुछ जगह हमारे पास ये ब्लू लाइन है, कुछ जगह नहीं है और हमें ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो मैं ए प्रेस करूँगा, एच पे जाऊँगा और क्लियर शार्प पे क्लिक कर दूँगा, तो अब हमारे पास ये क्लियर हो जाएगी। फेस ओरिएंटेशन देखता हूँ, इट्स गुड। और यहाँ पर हमारे पास कोई इशू आया है, अगर अच्छा यहाँ बेवल के पे हमारे पास इशू आया है तो मैं कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ जब तक हमने इसे बेवल किया है, ठीक है, इसे हल्का सा बेवल कर देना है। तो यहाँ पर हमारे पास कोई इशू आ रहा है तो मैं ए प्रेस करूँगा, सारा शिफ्ट एन दबा दूँगा ताकि नॉर्मल रिकैलकुलेट हो जाएं। इससे भी कुछ भी नहीं हुआ तो मैं सिंपली टॉप व्यू पे जाऊँगा, कंट्रोल आर प्रेस करके अब 2 लूप कट सेट करूँगा और इन दोनों को बेवल कर दूँगा विद नो सेगमेंट और आपस में जे प्रेस करके ज्वाइन कर दूँगा सेम विद दैट। अब ये थोड़ा इशू क्रिएट कर रहे हैं तो मैं ऑल प्रेस करके इनको सेलेक्ट करूँगा
सिंपली 2 प्रेस करना है और ऑल्ट प्रेस करके आपने इनको सेलेक्ट कर देना है। शिफ्ट दबा के इसको भी, सेम विद डैट, और इसे आपने एक्स एक्सिस पे थोड़ा सा मूव वगैरह करना है तो ये हमारे पास जो ब्लैक स्पॉट्स हैं ये चले जाएंगे। थोड़ा सा और स्केल कर देना है। उसके बाद मैं इस पे इस एज को और इस एज को सेलेक्ट करूँगा, जे से ज्वाइन कर दूँगा, सेम विद दिस, और आपने इसको भी आपस में ज्वाइन करवा देना है, ठीक है। फिर आपने इनको भी ज्वाइन करवा देना है, इससे क्या होगा टोपोलॉजी भी बेटर होगी और अगर आपके पास शेडिंग इश्यूज आ रहे हैं तो वो भी सॉल्व हो जाएंगे। तो अब मैं इन्हें जे प्रेस करके ज्वाइन कर रहा हूँ, लाइक दैट। अब ये हमारे पास लास्ट रह गया है तो मैं बस इसे भी जल्दी से ज्वाइन कर देता हूँ। और यहाँ पर हमारे पास बेवल इशू आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि आप हमने ये वाली जगह सेलेक्ट नहीं की वायर बेवलिंग, तो आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है और कंट्रोल बी से इसे भी बेवल कर देना है। लेकिन इससे क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास जो एरिया है ये आप देख सकते हैं वर्टिसेस आपस में मर्ज हो गई हैं तो एक वर्टेक्स बना दिया। इसे जब मैं बेवल करूँगा तो यहाँ पर हमारे पास इश्यूज आएंगे। तो बस अब आपने इसको भी सेलेक्ट कंट्रोल जी करके इसको सेलेक्ट करना है और बेवल कर देना है। तो मैंने ऐसे ही किया है, कंट्रोल जी करके इनको सेलेक्ट किया है और फिर बेवल कर दिया। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो इशू आ रहा है अभी भी वो इसलिए आ रहा है, टोपोलॉजी तो खैर बेटर हो गया लेकिन इशू फिर भी है, तो वो इसलिए है कि नीचे हमारे पास फेस बने हुए हैं, ठीक है। ये अगर मैं आपको साइड से दिखाऊं तो ये हमारे पास नीचे फेस बना हुआ है, ठीक है। तो मैं ऑल्ट प्रेस करके इस एज को सेलेक्ट करूँगा, एक्स डिलीट फेस पे क्लिक कर दूँगा, हमारे पास ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और सेम मैं यहाँ भी करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, एक्स डिलीट फेस, तो हमारे पास ये भी डिसॉल्व हो जाएगा। एंड एज यू कैन सी दिस इज लुकिंग नाइस। तो उसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ बोल्ट ऐड करनी है। तो अब बजाय खुद मॉडल करने के मैं ब्लेंडर का प्लगइन ही यूज़ करूँगा। तो सिंपली आपने जाना है एडिट में, प्रेफरेंसेस में, और एड ऑन्स में आपने जाके सर्च करना है बोल्ट, और आपके पास बोल्ट फैक्ट्री का ऑप्शन आएगा, आपने इसे चेक कर देना है, सेव प्रेफरेंसेस कर देना है। एंड नाउ व्हेन यू प्रेस शिफ्ट ए और आप मैश में जाएंगे तो आपके पास नीचे बोल्ट का ऑप्शन होगा, जो यहाँ आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास बोल्ट ऐड हो जाएगा। तो अभी आपने कहीं और क्लिक नहीं करना ऐड बोल्ट पे बल्कि क्लिक करना है, और आपने इसे यहाँ पर आप वैसे काफ़ी सारे ऑप्शन कर सकते हैं। मैं इसको कर देता हूँ आई गेस एलन पे, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसकी हाइट को कम कर दूँगा लाइक दिस, थोड़ी और कम कर देता हूँ। उसके बाद बस आपने अब इन सेटिंग्स को थोड़ा सा छेड़ना है, उसको भी मैं कम कर देता हूँ, थोड़ा सा वाइड कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा कम कर दूंगा, ठीक है। और अब मैं बस इन सेटिंग्स को थोड़ा सा चेंज करूंगा लाइक दैट, ठीक है। इनकी पिचिंग को आप चेंज कर सकते हैं, क्रीज को, सही है। आई गेस आई एम हैप्पी विद दीज सेटिंग्स। अब मैं इसको कहीं भी क्लिक करूंगा तो वो जो हमारे पास था मेन्यू वो चला जाएगा। तो अब मुझे नीचे ये नहीं चाहिए तो मैं इसको सिंपली सेलेक्ट करूँगा, डिलीट वर्टिसेस पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं इसको सेलेक्ट कर दूँगा, इसको, फिर बाकी चीज़ें भी हमारे पास सराउंडिंग्स भी सेलेक्ट हो गई हैं तो उनको बस मैं जल्दी से डीसेलेक्ट कर लेता हूँ लाइक दैट। तो उसके बाद मैं डिलीट वर्टिसेस पे क्लिक कर दूँगा, यहाँ पर हमारे पास अभी भी कुछ डीसेलेक्ट हैं तो मैं सिंपली उन्हें सेलेक्ट करूँगा, डिलीट वर्टिसेस, इसको इन वर्टिसेस पे क्लिक करूँगा, इन्हें भी डिलीट कर दूँगा, और इस एज पे क्लिक करके एफ टू फिल दिस, आई टू इनसेट, इसको भी डिलीट कर दूँगा, स्केल डाउन, राइट क्लिक सेट ओरिजिन ओरिजिन ज्योमेट्री, राइट क्लिक शेड स्मूथ बाई एंगल। अब यह सही तरह स्मूथ नहीं हो रहा तो आपने शेड स्मूथ बाई एंगल पर जाना है और आपने इसको इसका जो एंगल है उसे आपने थोड़ा कम कर लेना है। इन दिस केस ये 7.3 पे काम कर रहा है या 7.2 पे। तो अब अगर मैं एडिट मोड में जाऊँ तो दिस इज़ अ मेस, तो मैं ए प्रेस करूँगा, एज पे क्लिक करके क्लियर शार्प कर दूँगा, राइट क्लिक और इसे अब मैं कर दूँगा। तो अब वो जो पहले मेस बना हुआ था ब्लू लाइन्स का वो थोड़ा बेटर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये इशू आ रहा है टोपोलॉजी का,
वो इसलिए आ रहा है कि यहाँ पर हमारे पास 6 वर्टिसेस हैं और यहाँ 32 वर्टिसेस हैं, तो वो आपस में इन्हें मर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इतना शो नहीं होगा। सो आई गेस लेट्स जस्ट इग्नोर दिस। इग्नोर करने से पहले मैं सिर्फ इसको थोड़ा सा स्केल डाउन कर देता हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा इसको सेलेक्ट करने के लिए एस शिफ्ट जेड, ताकि जेड एक्सिस के अलावा हर एक्सिस पे ये थोड़ा स्केल डाउन हो जाए। तो मैं इसे थोड़ा और स्केल डाउन कर दूँगा, ठीक है। अब मैं इसे यहाँ पर मूव करूँगा, स्केल इट डाउन, ठीक है, लाइक दैट। और मैं इसको नीचे मूव कर दूँगा, एस जी और स्केल कर दूँगा, फिर नीचे मूव कर दूँगा। एंड नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज दैट आई एम गोना क्लिक दिस और मैं मिरर मॉडिफायर ऐड करूँगा एक्स और वाई एक्सिस पे, और मिरर को मैं ये इंस्टेंट ऑब्जेक्ट जो है उसको मैं ये रख दूँगा। लेकिन जब मैंने ये रखा तो ये सही काम नहीं कर रहा वाई एक्सिस पे, सॉरी एक्स एक्सिस पे, तो मैं एक्स एक्सिस को ऑफ कर दूँगा और ऐसे थोड़ा मैन्युअली शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करके यहाँ मूव कर दूँगा। एज यू कैन सी दिस इज लुकिंग नाइस। नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज दैट कि मैं इसको सेलेक्ट करूँगा या फिर एक नया सर्कल ऐड करूँगा, इसे ऊपर मूव कर दूँगा। अब ये सर्कल यहाँ पर ऐड हुआ है एंड आई डोंट वांट दैट, तो मैं क्या करूँगा शिफ्ट एस प्रेस कर दूँगा ताकि कर्सर जो है वो सेंटर में आ जाए। शिफ्ट ए प्रेस करूँगा, एक सर्कल ऐड करूँगा, इसको ऊपर मूव कर दूँगा, वाई एक्सिस पे भी मूव करके स्केल डाउन कर दूँगा थोड़ा सा और ऊपर। और अब मैं हाफ सर्कल को सेलेक्ट करके यहाँ साइड पे मूव कर दूँगा एंड इस हाफ को इस साइड पे मूव कर दूँगा। एंड नाउ इसको मैं थोड़ा सा नीचे मूव कर दूँगा, ठीक है, स्केल भी कर दूँगा वन स्टेप। और अब ये एजेस बाहर जा रही हैं तो मैं इनको थोड़ा वापस ले आऊँगा लाइक दिस, थोड़ा सा और स्केल डाउन कर दूँगा, ठीक है। अब आपने ए प्रेस करना है एफ टू फिल दिस, और अब आपने इसे एक्सट्रूड कर देना है। आपने एडिट में जाना है, प्रेफरेंसेस में, यहाँ बूल टूल आपने सर्च करना है और इसको चेक कर देके सेव प्रेफरेंसेस कर देना है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने नॉर्मल्स देखने हैं कि आपके फेस के नॉर्मल सही हैं, नहीं इसके सही नहीं है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, एडिट मोड में ए प्रेस करूँगा ताकि सारा कुछ सेलेक्ट हो जाए और शिफ्ट एंड से नॉर्मल्स रिकैलकुलेट कर दूँगा। उसके बाद मैं सबसे पहले इस पर क्लिक करूँगा, शिफ्ट दबा के इस पर कंट्रोल शिफ्ट बी, और आपने ब्रश बूलियन के डिफरेंस पे क्लिक कर देना है। और अब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और जी एक्सिस पे स्केल करूँगा, ठीक है, आई गेस प्रोबेबली लाइक दिस, थोड़ा सा ऊपर। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, फ़िलहाल सब डिवीजन को क्रॉस कर दूँगा और इसको बेवल कर दूँगा। अब हमारे पास ये आ गया है। अब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा शिफ्ट दबा के इस एज को, ठीक है। अगर आपके पास ये एज सही नहीं है तो सबसे पहले आपने ए प्रेस करना है ताकि सारा कुछ सेलेक्ट हो, एम मर्ज बाय डिस्टेंस ताकि अगर कोई वर्टिसेस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वो मर्ज हो जाए। तो सबसे पहले मैं इस एज पे क्लिक करूँगा ताकि ये एज सेलेक्ट हो जाए और इसको मैं बेवल कर दूँगा कंट्रोल बी से विद वन सेगमेंट। फिर मैं टॉप सेलेक्ट करूँगा ये और इसको कंट्रोल बी से बेवल कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास वियर शेडिंग आ रही है तो उसे मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा शिफ्ट दबा के उस पर, जे से ज्वाइन, इसको आपस में ज्वाइन कर दूँगा, इसको जे से ज्वाइन। एंड उसके बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ इस साइड पे जाऊँगा, इस साइड पे भी यही कर दूँगा, इनको सेलेक्ट करना है और जे से ज्वाइन कर देना है, जे से ज्वाइन। जस्ट अ सेकेंड, अच्छा यहाँ पर ये इस तरह हुआ है और यहाँ पर ये, तो ये इसलिए क्योंकि यहाँ एक एज ज़्यादा इजाफी है, लेकिन इट्स ओके, मैं सिंपली इसको यहाँ ज्वाइन कर देता हूँ। और राइट, उसके बाद मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये जो हमारे पास फेस है, सही है, और मैं क्या करूँगा इस एच पे बल के क्लिक करूँगा और शिफ्ट दबा के इस एच पे, और इनको जे से ज्वाइन कर दूँगा। फिर मैं इस एच पे क्लिक करूँगा और इस पे इन्हें जे से ज्वाइन कर दूँगा,
देन इस एज को सेलेक्ट करूँगा, शिफ्ट दबा के इसको जे से ज्वाइन कर दूँगा, इनको आपस में जे से ज्वाइन कर दूँगा, ठीक है। देन एज यू कैन सी इट्स अ बिट बेटर, लेकिन इतना भी नहीं। तो मैं यहाँ एक लूप कट ऐड कर दूँगा कंट्रोल आर प्रेस करके, और यहाँ पर भी एक लूप कट ऐड कर दूँगा, और यहाँ पर भी इन दोनों को मैं सेलेक्ट करूँगा और मूव कर दूँगा वाई एक्सिस पे। इन सब को सेलेक्ट करके एस वाई ज़ीरो कर दूँगा ताकि आपस में वाई एक्सिस पे परफेक्टली अलाइन हो जाए। फिर मैं इन दोनों को वर्टिसेस को सेलेक्ट करूँगा जे से ज्वाइन, इन दोनों वर्टिसेस को सेलेक्ट करूँगा जे से ज्वाइन, एंड लास्टली इन दोनों वर्टिसेस को सेलेक्ट करके जे से ज्वाइन कर दूँगा, ठीक है। एंड उसके बाद मैं क्या करूँगा, इस फेस को सेलेक्ट करके आई से इंसर्ट कर दूँगा, कंट्रोल टू प्रेस कर दूँगा ताकि टू लेवल्स की सब डिवीजन ऐड हो जाए। अब यहाँ पर हमारे पास ये इशू आ रहा है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस एच पे क्लिक करूँगा, इसको इसके साथ ज्वाइन कर दूँगा जे से, और मैं भी ये जो सेंटर पे है इसको ज्वाइन कर लेते हैं जे से, और यहाँ पर भी जो हमारे पास ये वाली वर्टेक्स है इसको और इसको आपस में ज्वाइन कर देते हैं। तो जो इश्यू था वो भी हमारे पास सॉल्व हो गया है, तो इसको भी मैं इसके साथ जे से ज्वाइन कर देता हूँ और इसको डिसॉल्व कर देता हूँ। एज यू कैन सी दिस इज लुकिंग नाइस, ठीक है। नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज दैट, मैं इनको थोड़ा सा यहाँ हमने डिज़ाइन ऐड करना है, लाइक इसको हमने डिफरेंट लूप कट्स ऐड करके यहाँ पर इन्हें एक्सट्रूड कर देना है बेवल करके, लेकिन यहाँ पर हम लूप कट्स ऐड नहीं कर सकते, तो मैं इन एजेस को आपस में ज्वाइन करूँगा। तो सबसे पहले मैं इस फेस को डिलीट कर दूँगा, डिलीट फेस, फिर मैं इस वर्टेक्स पे क्लिक करूँगा, F3 ग्रिड फिल कर दूँगा, तो हमारे पास ये इस तरह ग्रिड फिल हो जाएगा। अगर आपके पास नहीं हो रहा, कुछ इस तरह का आ रहा है, तो आपने इसे 1 पे ले आना है, तो हमारे पास ये ग्रिड फिल हो जाएगा। अब मैं 2 प्रेस करूँगा इस एज को, शिफ्ट दबा के इस एज को, फिर इस एज को, इनको मैं सेलेक्ट कर लूँगा और मे बी इन सबको सेलेक्ट कर लूँगा लाइक दिस, और कंट्रोल बी से बेवल कर दूंगा विद नो सेगमेंट। ये यहाँ थोड़ा सा इशू क्रिएट करेगा क्योंकि ये बहुत क्लोज है, तो मैं इसको डीसेलेक्ट कर दूंगा, इनको आपस में कंट्रोल बी से बेवल कर दूंगा, नॉट दैट मच, ठीक है। ये मैंने बहुत ज़्यादा कर लिया था बेवल, जस्ट अ लिटिल बिट, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करना है, इसको ई से एक्सट्रूड कर देना है, एंड हमारे पास ये डिटेल्स ऐड हो रही हैं, लेकिन ये अब थोड़ा सा इशू क्रिएट कर रहा है, मतलब ये लाइंस परफेक्टली स्ट्रेट नहीं है, ठीक है। एज यू कैन सी दीज आर नॉट परफेक्टली स्ट्रेट, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमारे पास लाइक 30 लूप कट्स हैं, एजेस हैं, और यहाँ पर हमारे पास 32 हैं। ये इशू वैसे क्यों आया है मैं आपको अभी बताता हूँ। मैंने एक सर्कल ऐड किया था, हाफ को सेलेक्ट किया था, तो लेट्स सपोज ये 32 है, तो इसका हाफ हमारे पास 16 है, तो लेट्स सपोज मैंने यहाँ 16 सेलेक्ट की और इनको पीछे मूव कर दिया, तो यहाँ पर हमारे पास ज़्यादा हैं और यहाँ पर हमारे पास कम है, दैट्स वाई ये इशू हमारे क्रिएट हुआ था। सो इसलिए मैं क्या करूँगा, इनको मैं डिलीट कर दूंगा जब तक मैंने ग्रिड फिल किया था, लेकिन अगर मेरे पास प्रॉपर वो मतलब इक्वल अमाउंट में होते तो वो इशू ना क्रिएट करता। तो अब मैं क्या करूँगा, इनको स्ट्रेट ये है, अब इसको मैं इसके साथ जे से ज्वाइन कर दूंगा, इसके साथ जे से ज्वाइन, ये स्ट्रेट है। उसके बाद मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, इसके साथ ज्वाइन कर दूँगा, देन इसको, और अब आपने ऐसे ही बाकी सब के साथ करना है। तो अब मैंने इन सबको जे से ज्वाइन कर दिया है, अब मैं टू प्रेस करके इन सबको सेलेक्ट कर दूंगा लाइक दिस। अब आपने वायर फ्रेम में देखना है कोई और एच तो नहीं सेलेक्ट हुई, इन दिस केस कोई भी नहीं सेलेक्ट हुई। अब मैं इनको कंट्रोल बी से बेवल कर दूंगा और ई से एक्सट्रूड कर दूंगा, ठीक है। हमारे पास ये नाइस लाइंस आ गई हैं विच इज़ लुकिंग नाइस। अब मैं क्या करूँगा, एक सर्कल ऐड करूँगा, इसको ऊपर ले आऊँगा, सबसे पहले तो इसको मैं 30 कर दूँगा, 32 से इसको मैं ऊपर ले आऊँगा, ठीक है। स्केल डाउन, टॉप व्यू पे जाऊँगा, इसको यहाँ मूव कर दूँगा, स्केल डाउन अगेन,
अब मैं एडिट मोड में जाऊंगा, हाफ को सेलेक्ट करके इधर मूव कर दूंगा, ठीक है, इसको सेलेक्ट करके फिल कर दूंगा और इसको यहाँ साइड पे मूव करके थोड़ा सा स्केल कर दूंगा, लाइक दैट, थोड़ा सा और स्केल कर देना है। अब मैं इसको थोड़ा नीचे मूव कर दूंगा, एडिट मोड में जाऊंगा, इसको एक्सट्रूड कर दूंगा और ऑब्जेक्ट मोड में कंट्रोल ए अप्लाई स्केल, और अब इसको मैं बेवल से थोड़ा सा राउंड कर दूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये जो हमारे पास वर्टेक्स है इसको नीचे ले आऊंगा और फिर मैं इस इन एजेस को सेलेक्ट करूंगा कंट्रोल प्लस से, एस शिफ्ट जेड दबा के थोड़ा सा स्केल डाउन, और उसके बाद मैं इन सब को सेलेक्ट करूंगा, जी एक्सिस पे थोड़ा सा स्केल डाउन और थोड़ा नीचे मूव कर देना है, और इसको सेलेक्ट करना है राइट क्लिक शेड स्मूथ, ये थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और थोड़ा पीछे मूव कर दूंगा। आई गेट दिस इज मोर एक्यूरेट। ऑलराइट, सो सारा कुछ बन गया है, बस हमने अब पोर्ट्स वगैरह बनानी है तो वो उसमें हम इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, हल्का पुल्का ही कवर करेंगे। तो मैं इस साइड पे जाऊंगा, ठीक है, यहाँ पर मैं शिफ्ट ए प्रेस करूँगा, एक सर्कल ऐड कर दूँगा यहाँ पर मूव करने के लिए, वाई एक्सिस पे 90 डिग्रीज रोटेट कर दूँगा, स्केल डाउन, एडिट मोड में हाफ को सेलेक्ट करूँगा, इसको थोड़ा साइड पे मूव कर दूँगा, स्केल डाउन, राइट क्लिक सेट ओरिजिन ओरिजिनल ज्योमेट्री, इसको तकरीबन इतना स्केल डाउन कर दूँगा, इसको मैं यहाँ पर ले आऊँगा थोड़ा सा और स्केल डाउन, इसको थोड़ा और मूव कर देना है, राइट क्लिक सेट ओरिजिन टू ज्योमेट्री, शिफ्ट डी टू डुप्लीकेट, इसको यहाँ साइड पे ले आना है। अब मैं क्या करूँगा, शिफ्ट ए प्रेस करूँगा, एक प्लेन ऐड करूँगा 90 डिग्रीज रोटेट, इसको यहाँ आगे ले आना है, स्केल डाउन लाइक दैट, और वाई एक्सिस पे स्केल अप, ठीक है, और इसको थोड़ा जी एक्सिस पे स्केल डाउन करके थोड़ा ऊपर मूव कर देना है, आई से इंसर्ट करना है और एक्स और डिलीट वर्टेक्स कर देना है, फिर आपने तीनों को सिलेक्ट करना है, एस एक्स ज़ीरो ताकि एक्स एक्सिस पे बिल्कुल स्ट्रेट अलाइन हो जाए, इन्हें पीछे मूव करना है, और ए प्रेस करना है एफ टू फिल ताकि सारे फिल हो जाएँ, और अब आपने इन्हें एक्सट्रूड कर देना है, पीछे की तरफ ले आना है, एक्स एक्सिस पे मूव कर देना है। अब आपने यहाँ पर टोपोलॉजी को देखना है, सॉरी फेस ओरिएंटेशन को, तो हमारे पास फेस ओरिएंटेशन सही नहीं है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, एडिट मोड में शिफ्ट एन दबा दूँगा तो नॉर्मल रिकैलकुलेट हो जाएंगे, फेस ओरिएंटेशन मोड को ऑफ कर दूँगा, इन तीनों को सेलेक्ट करूँगा कंट्रोल जे से ज्वाइन, उसके बाद आपने इनको सेलेक्ट करना है कंट्रोल शिफ्ट बी और डिफरेंस पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं मैं इसे जहाँ भी मूव करूँ ये सही नहीं वर्क करेंगे, तो उसके लिए अब ये देख सकते हैं फेस ओरिएंटेशन भी हालांकि सही है लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा, ठीक है, तो मैं जाऊँगा फेस ओरिएंटेशन को ऑफ कर दूँगा, इसको राइट क्लिक शेड स्मूथ बाय एंगल कर दूँगा, ऑलराइट। उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक दफ़ा फिर ट्राई करते हैं डिफरेंस, और अगर मैं इसको ऊपर ले आऊँ तब भी कुछ नहीं, नीचे फास्ट पे कर दूँ, अब वर्क कर रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा स्केल डाउन कर दूँगा एक्स एक्सिस पे थोड़ा सा, अब एक दफ़ा फिर से सब डिवीजन को क्रॉस कर दूँगा, इसको अप्लाई कर दूँगा और इसको मैं डिलीट कर दूँगा। अब इनको हमने सिंपली ज्वाइन करना है, सबसे पहले तो यहाँ जो मेन इशू क्रिएट कर रहा है वो ये वर्टेक्स है, तो अप्लाई करने से पहले मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, एडिट में जाऊँगा, सबसे पहले मैं इन्हें स्केल कर दूँगा, थोड़ा साइड पे मूव कर दूँगा, ठीक है, लाइक इसको मैं सेलेक्ट करूँगा इस साइड पे, इसको थोड़ा सा दूर, ठीक है, इसको थोड़ा इधर, इनको थोड़ा सा स्केल डाउन, अब आपने इसे अप्लाई कर देना है, सही है। लेकिन अब यहाँ ये इशू है कि ये थोड़ा कर्व पे आ रहा है, तो मैं अगेन फिर से ट्राई करता हूँ, इस टाइम मैंने इसको और भी स्केल डाउन कर देना है, थोड़ा सा यहाँ ले आना है स्केल डाउन ताकि ये कर्व पे ना आए, ठीक है, प्रॉबेबली लाइक दिस।
उसके बाद मैं अब इसे अप्लाई कर दूंगा कंट्रोल ए से, इसको डिलीट कर देना है। नाउ दिस इज़ बेटर। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा, शिफ्ट दबा के इस पर इनको जे से ज्वाइन कर दूंगा। अगेन यहाँ से कोई रैंडम उठाऊंगा, शिफ्ट यहाँ से इसको जे से ज्वाइन, सेम विद दिस साइड, इनको सेलेक्ट करना है जे से ज्वाइन, इसको भी जे से ज्वाइन कर देना है, ठीक है। इनको आपस में आएगा जे से ज्वाइन कर देते हैं, फिर इसको सेलेक्ट करूंगा, इसको भी यहाँ जे से ज्वाइन कर दूंगा। एंड देन व्हाट आई एम गोना डू इज दैट इसको भी यहाँ जे से ज्वाइन कर दूंगा ताकि हमारे पास सपोर्टिंग एज लूप्स थोड़ी ज़्यादा हों। एंड इसको भी मैं यहाँ पर एक लूप कट ले आऊँगा कंट्रोल आर से, यहाँ पर इनको वाई एक्सिस पे 0 ताकि ये वाई एक्सिस पे स्ट्रेट हो जाएं, और मैं इनको जे से ज्वाइन कर दूँगा। तो द टोपोलॉजी इज़ नॉट द बेस्ट, लेकिन इट्स ओके, नॉट द वर्स इधर। तो मैं इनको सिलेक्ट करूँगा और आई से इंसर्ट कर दूँगा, और जब मैं इंसर्ट करूँगा सो जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्टिसेस बहुत क्लोज हैं, तो मैं इनको सेलेक्ट करूँगा, डिसॉल्व कर दूँगा, ठीक है। राइट क्लिक शेड स्मूथ, कंट्रोल 2, और दिस इज़ नाउ वर्स। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि इन एजेस को सेलेक्ट करूँगा एक्सरे मोड में, ठीक है, और इनको मैं कर दूंगा बेवल कंट्रोल बी से। एंड उसके बाद मैं इस फेस को सेलेक्ट करूँगा, डिलीट फेस, ठीक है। फिर इस एज को सेलेक्ट करना है, F3 ग्रिड फिल कर देना है, और एक्सरे मोड ऑन करते हैं। अगर मैं इसको 1 कर दूँ और इसको एक दफ़ा मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, नहीं हो रहा, इसको मैं 1 कर देता हूँ, और मे बी 2, आई गेस 2 इज़ नाइस। और उसके बाद आई से इंसर्ट कर दूँगा, F3 ग्रिड फिल, या फिर 1 थोड़ा बेटर वर्क कर रहा है, सो या। उसके बाद मैं एक लूप कट यहाँ ले आऊँगा कंट्रोल बी से बेवल, फिर और जब मैंने इसे बेवल किया सो इट्स ओके। यहाँ भी एक लूप कट ला के इसको थोड़ा सा बेवल कर दूंगा, यहाँ पर ले आऊँगा इनको, यहाँ आपस में जे से ज्वाइन कर दूंगा, यहाँ भी तकरीबन सेम करूँगा, एक लूप कट यहाँ पर ले आनी है कंट्रोल बी से बेवल, इनको ज्वाइन कर देना है इन एजेस को जे से, और इन एजेस को आपस में ज्वाइन कर देना है, और इन एजेस को साथ, सही है। यहाँ पर मैंने गलत एज को ज्वाइन कर दिया है एज यू कैन सी, इसको सेलेक्ट करना है शिफ्ट इसको और फिर ज्वाइन करना है। यहाँ पर भी गलत एज को ज्वाइन कर दिया है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा कंट्रोल एक्स टू डिसॉल्व इट, और इनको जे से ज्वाइन, ये वाली सही है, एंड आई गेस बाकी भी सही हैं। उसके बाद मैं इस फेस पे क्लिक करूँगा, आई टू इंसर्ट अगेन, इसको भी आई टू इंसर्ट अगेन, कंट्रोल आर, और लूप कट को आगे ले आना है, यहाँ पर भी कंट्रोल आर, लूप कट को आगे ले आना है, इस जगह पर भी कंट्रोल आर, यहाँ भी कंट्रोल आर, इनको आपस में जे से ज्वाइन कर देना है, और अब इस पूरी एज को सेलेक्ट करके बाहर की तरफ मूव कर देना है, ठीक है। लेट्स सी ये एज सही आई है कि नहीं, नहीं ये एज भी सही नहीं आई, तो मैं सिंपली इस पे क्लिक करूँगा शिफ्ट इस पे, और इन्हें भी जे से ज्वाइन कर दूँगा, एंड प्रॉबेबली यहाँ भी सही नहीं आई होगी, तो इसको भी मैं जे से ज्वाइन कर दूँगा, ठीक है। एंड नाउ इट्स अ बिट बेटर। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इश्यूज आ रही हैं शेडिंग की,
तो इस एज को मैं डिसॉल्व कर दूंगा, वन प्रेस करूंगा, इसको यहाँ से जे से ज्वाइन कर दूंगा और इसको यहाँ से ज्वाइन कर दूंगा और इस किसी एक एज को डिसॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो या अब आपने सिंपली ये ऐसे ही करना है कि बस यहाँ पर इनको मूव वगैरह ही करना है, डिसॉल्व करना है, ऐड करना है, ताकि जो शेडिंग है वो हमारे पास चली जाए। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे मूव करूँ तो शेडिंग थोड़ी चली जाएगी, ठीक है। सी जो शेडिंग है वो तकरीबन चली गई है। तो या अब हम टेक्सचिंग पार्ट पे आते हैं, लेकिन उससे पहले हमें टेक्स्ट चाहिए, तो मैं शिफ्ट ए प्रेस करूँगा, टेक्स्ट ऐड कर दूंगा और इसको मैं यहाँ मूव कर दूंगा लाइक दिस। उसके बाद मैं टॉप व्यू पे जाऊँगा और मैं बस डिफरेंट टेक्स्ट टाइप कर दूंगा लाइक 22.5 और कैपिटल लेटर्स में वॉट्स, ठीक है। उसके आगे स्पेस डाल के फास्ट लेट्स सी फास्ट चार्जिंग पावर बैंक आई गेस, फास्ट चार्जिंग पावर बैंक। और अब आपने इसको स्केल डाउन करके थोड़ा पीछे मूव कर देना है, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा और स्केल कर देना है। और अब इसके फॉन्ट मैंने चेंज करना है, तो मैं फॉन्ट पे जाऊंगा और इसको मैं ये वाला फॉन्ट कर दूंगा, स्केल डाउन आई गेस, इसको मैं एंटर कर दूंगा ताकि हमारे पास ये नीचे आ जाए। इसको मैं यहाँ से स्पेस कर दूंगा ताकि ये थोड़ा सेंटर में आ जाए, ठीक है, लाइक दैट। इसको मैं ऊपर मूव करके थोड़ा सा साइड पे मूव कर दूंगा and I'm gonna scale this. So I guess ये टेक्स्ट सही है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको श्रिंक रैप कर दूंगा ताकि ये नीचे वाली सर्फेस के साथ ज्वाइन हो जाए और इसके ऑफसेट को मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा टू मे बी लाइक दिस और मे बी 0.0015 and I guess this is probably looking nice. अब texturing का part आता है, तो मैं simply texturing बहुत simple है। सबसे पहले आपने इस पर क्लिक करना है और आपने इसको दे देना है 0.7 metallic पे, roughness पे आपने इसे कर देना है 0.2, color आपने इसे कर देना है bright yellow, ठीक है। अब ये सारा change हो रहा है, तो अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, इसको नया material दूँगा, शेडिंग पे जाऊंगा और इसको सबसे पहले तो मैं कर देता हूँ ब्लैक, रफनेस टू मे बी 0.38, मेटालिकनेस 0.35, शिफ्ट एक नॉइस टेक्सचर ऐड करना है, एक बम्प नोड ऐड करना है और इस पर कंट्रोल टी दबा देना है ताकि दो नोड्स ऐड हो जाएं नॉइस टेक्सचर के फैक्टर को बम्प के फैक्टर में और इसके नॉर्मल को यहाँ पर। अब यहाँ हमारे पास जो नॉर्मल्स हैं, जो बम्प ऐड हुआ है वो सही तरह नहीं हुआ, तो मैं जी एक्सिस के जो हमारे पास मैपिंग नोड है इसमें जी एक्सिस को 0.5 कर दूंगा, ठीक है, एंड एक्स को मैं कर दूंगा 0.8 और अब मैं ओवरऑल स्केलिंग को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दूंगा टू मे बी 1000 और जो हमारे पास स्ट्रेंथ है उसे 0.1 कर दूंगा। So we have this nice kind of effect, ठीक है, एंड इनको मैं कंट्रोल सी से कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी, और अब मैं ये जो येलो टेक्सचर है इस पर कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूँगा, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, ठीक है। अब मैं इनको नीचे मूव कर दूँगा, आपस में ज्वाइन कर दूँगा और यहाँ भी हमारे पास ये डिटेल्स जो हैं ऐड हो गई हैं। अब इसमें मैं क्या करूँगा, इसकी स्ट्रेंथ को 0.06 कर दूँगा और स्केलिंग को 1300 कर दूँगा एंड कलर जो है वो थोड़ा गोल्डन सा है, मैं इसको थोड़ा ऑरेंज सा कर देता हूँ
लाइक दिस। और अब मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, ये जो बोल्ट्स हैं हमारे पास इनको मैं डार्क ब्लैक मेटेलिक कलर दे दूंगा, मेटल को 0.8, स्ट्रेंथ रफनेस को 0.3, और इस पर भी मैं सेम यही टेक्सचर दे दूंगा। एंड फॉर द टेक्स्ट इस पर मैं न्यू क्लिक करूंगा, इसको मैं सिंपली ब्लैक कर दूंगा, मेटेलिक को 0.5 और रफनेस को 0.7। तो हमारे पास टेक्स्ट जो है आई गेस रफनेस को 0.4 कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास ये पार्ट आता है, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, न्यू रफनेस फुल कम, आई गेस रफनेस को 0.3 कर देते हैं। ट्रांसपेरेंसी जो है इसे फुल बढ़ा देना है, और कलर को आपने कर देना है 0.4 और मे बी 0.2। फिर आपने कोट पे जाना है कोट ऐड करने के लिए, वेट को आपने कर देना है 0.7 और मे बी 5, और आपने ब्लैक कोट ऐड कर देना है। इन यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि मैं ऐड करूँगा एक शिफ्ट ए प्रेस करूँगा, ऐड कर दूँगा एक क्यूब, इसको मूव कर दूँगा यहाँ पर, स्केल डाउन y एक्सिस पे, स्केल अप, इसको मैं और भी स्केल डाउन, ठीक है, इसको मैं इस तरह मूव कर दूँगा यहाँ साइड पे। एंड नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज दैट आई एम गोना स्केल इट इन दी x एक्सिस, और मैं इसको यहाँ पर मूव कर दूँगा, ठीक है। इसके कलर को मैं कर दूँगा रेड, कंट्रोल बी से थोड़ा सा बेवल कर दूंगा ताकि इतना शार्प ना रहे, राइट क्लिक शेड स्मूथ। अब मैं शिफ्ट डी से इसको डुप्लीकेट करूंगा, यहाँ मूव करूंगा, स्केल डाउन कर दूंगा लाइक दिस, एंड अगेन शिफ्ट डी से डुप्लीकेट, इसे यहाँ मूव कर देना है वाई एक्सिस पे, डन। एंड आई गेस इट्स क्वाइट नाइस। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा और इसको मैं दे दूँगा ब्लैक मटेरियल, दिस वन, ठीक है, बाकी सेम रहेगा। इसको मैं जी एक्सेस पे थोड़ा स्केल डाउन कर दूँगा, इसको भी जी एक्सेस पे थोड़ा स्केल डाउन कर दूँगा, इसको थोड़ा सा स्केल अप। सो मटेरियल्स जो हैं वो भी हमारे पास ऐड हो गए हैं। तो या मॉडलिंग इज़ डन एंड द टेक्सचरिंग इज़ ऑल्सो डन। अब आप अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करके इस पर और मटेरियल्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, इन्वायरमेंट वगैरह बना सकते हैं। सो या गाइस, ट्यूटोरियल को यहीं एंड करते हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कोई क्वेश्चन है कॉमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट चैलेंज में, तब तक के लिए गुड बाय।